इंदौर जिले के ग्राम छोटा बेटमा के तालाब किनारे विजय रामेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्रीराम यज्ञ एवं श्रीराम कथा का मंगलवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ समापन हुआ। समापन के अवसर पर कांग्रेस विधायक विशाल पटेल शामिल हुए, जहां उन्होंने पूजा करने के साथ संतों का आशीर्वाद लिया। श्रीराम कथा के समापन के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल छोटा बेटमा पहुंचे और उन्होंने यज्ञ की परिक्रमा कर क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। साथ ही 51,000 रुपए की सहयोग राशि भी कार्यक्रम के निमित्त प्रदान की। आश्रम के महामंडलेश्वर एवं गादीपति विजय रामदास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस श्रीराम यज्ञ एवं प्रवचन में अंतिम दिन देश प्रदेश से आए साधु संतों का सम्मान किया गया। आज हिमाचल में अलौकिक चीज देखने को मिली। मैं विभिन्न 2-3 मंदिरों में होके आया, हर जगह कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं श्रीराम यज्ञ हो रहा है। आज जहाँ मैं पहुंचा हूँ, श्रीराम यज्ञ 5 कुंडल यज्ञ था, और मैं तो ये समझूँ कि यज्ञ जब पर्यावरण की दूषित होता है तो कहीं ना कहीं उसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ होता है। उससे मन भी शुद्ध होता है और तन भी शुद्ध होता है। मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ कि ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आम जनता में वहाँ डाली कि पूरा हिमाचल ही नहीं, समूचा बेटमा क्षेत्र कहीं ना कहीं भक्तिभाव में लीन है, और आते हुए समय कहीं ना कहीं यहाँ ये संकेत है कि कोई अच्छा शुभ काम यहाँ होने वाला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही कार्य इस क्षेत्र में होते रहें और हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। बेटमा से आदित्य पंचोली की रिपोर्ट।